हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी स्पेशल लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और क्यों ये बिजनेस के लिए जरूरी है। देखो, सबसे पहले जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में डिफरेंस समझा दूं। पार्टनरशिप के अंदर दो इंडिविजुअल आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर आप किसी को अपने फ्रेंचाइजी ब्रांड नेम बिजनेस के SOP दे रहे हो अलग सिटी के अंदर, जहां पे वो आपके जैसे ऑपरेशंस को रन करेगा। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, क्यों बिजनेस के लिए जरूरी है? देखो, दो बिजनेस है, ए और बी। ए की एक्सपर्टीज अलग है, बी की अलग है। हो सकता है ए मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा हो, बी मार्केटिंग में अच्छा हो। दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज को मिलाया और सी एक नया वेंचर चालू करा जिसमें दोनों की एक्सपर्टीज है। उससे क्या होगा, सी जो इनका वेंचर है वो तेजी से ग्रो होगा। अब काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, जैसे टाटा। अब टाटा इसको कैसे यूज़ करता है, टाटा का एक ब्रांड है विस्तारा। टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस आपस में मर्ज हो गई थी, जॉइंट वेंचर करा था विस्तारा को चालू करने के लिए। अब सिंगापुर एयरलाइंस की सर्विसेज और जो उनकी एक्सपर्टीज है वो अलग है, टाटा की अलग है इंडिया के अंदर। दोनों को एक दूसरे का फायदा मिला, उससे एक नया बिजनेस अच्छे से चालू कर पाए। वोडाफोन आइडिया एक जॉइंट वेंचर है, नासा एंड गूगल, गूगल अर्थ का एक जॉइंट वेंचर है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो जॉइंट वेंचर बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। अब जॉइंट वेंचर कैसे करा जाता है, एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। पहला होता है प्रोजेक्ट बेस्ड जॉइंट वेंचर, मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। जैसे लेट्स सपोज बिल्डिंग बनानी हो जाएगी, अब बिल्डिंग बनाने के लिए जॉइंट वेंचर कर लिया, बिल्डिंग बनती काम खत्म, उसके बाद ना आपका लेना देना ना सामने वाले का लेना देना। अब प्रोजेक्ट बेस्ड जॉइंट वेंचर भी अलग तरीके से ड्राफ्ट होता है। दूसरा होता है फंक्शन बेस्ड, एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के अंदर एक फंक्शन ऐसा है जैसे पाइप बिछाना, इलेक्ट्रिसिटी बिछाना, AC लगाना, इसके लिए जॉइंट वेंचर कर लिया, तो वो एक फंक्शन हो गया एक बिल्डिंग का। कि बिल्डिंग तो कोई और बना रहा है बट उसके अंदर एक फंक्शन है AC लगाने का, वायरिंग करने का या पाइप बिछाने का। थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल जॉइंट वेंचर, कोई कंपनी बाहर से देश के अंदर आ रही है अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने, उनके पास ब्रांड नेम है, SOP है, इसको हम मास्टर फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। जैसे टाटा करता है, टाटा के पास सिंगापुर एयरलाइंस है इस समय, जिनको जॉइंट वेंचर करके इन्होंने विस्तारा एयरलाइंस बनाई। फिर उसके बाद इन्होंने ज़ारा के साथ जॉइंट वेंचर करा, उसके बाद इन्होंने इस समय स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर करा। तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टली ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करती है। अब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाते समय किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि दोनों पार्टीज का नेम पूरा आएगा, XYZ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, और फिर उनका पूरा एड्रेस आएगा, तब जाके ये पार्टीज के नेम पूरे आते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या करना होता है, मेंशन करना होता है स्कोप। अब दो पार्टीज आपस में अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगी तो उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, पैसा कितना किस पार्टी को लगाना है ये पहले ही मेंशन हो जाना चाहिए, किसके पास कितनी इक्विटी रहेगी, पार्टीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, लॉस होंगे, रिस्क होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, इन सब का शेयर कैसे रखना है, इन सबको भी अच्छे से मेंशन करना है। फिर इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कंट्रोल इशू एंड डिसीजन मेकिंग। देखो होता क्या है, जब फेलियर आता है ना तब ये होता है कि डिसीजन आपने लिया था गलती आपकी थी, तो शुरुआत में मेंशन कर दो कि डिसीजन किसका होगा, किसको लेना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए चीज़ों को लेके। तो मीटिंग्स कैसे होंगी, वोटिंग मेजोरिटीज कैसे रहेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन, सेटिंग ऑफ एजेंडा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एग्रीमेंट के अंदर ड्राफ्ट करवानी है। फिर उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पॉइंट कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स पर किसके राइट होंगे, खर्चे कैसे शेयर होंगे, डिस्प्यूट होता था उसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। फिर ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है तो कितने डेज का एडवांस नोटिस देना है और कितने टाइम पीरियड तक ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, ये चीज़ भी आपको मेंशन करवानी है। फिर उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर होता है कोई मिस्टेक होती है तो उसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये भी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगा। इंडेमनिटी क्लॉज, एक होता है डेडलॉक रिजोल्यूशन, मतलब दोनों पार्टीज एक कंक्लूजन तक नहीं आ पा रही है, ना ये पार्टी ना ये पार्टी, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसको बोलते हैं डेडलॉक रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर। सबसे पहला होता है MOU, लेटर ऑफ इंटेंट, फिर आता है टर्म शीट, फिर आता है बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, और चौथा आता है ट्रांसफर ऑफ IPR, जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट दोनों पार्टी आपस में शेयर करेंगी। फिर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टीज को टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं या कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से शेयर कर रही है तो टेक्नोलॉजी कैसे शेयर होगी, सर्वर किसका होगा, कोडर किसके होंगे, सपोर्ट किसको देना है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, क्या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी जॉइंट वेंचर कर सकती है? जी हाँ, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस सबसे बड़ा एग्जांपल है कि फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी भी साथ में जॉइंट वेंचर कर सकती है। डिफरेंस क्या रहता है पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के अंदर, पार्टनरशिप में दो इंडिविजुअल्स होते हैं, जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज होती हैं, जो थर्ड एंटिटी फॉर्म हो रही है वो भी एक बिजनेस ही फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर ध्यान रखना।
अब ये तो डिफरेंस रहता है मेजरली ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करानी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी लीगल टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम जैसी ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।